इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। असम में आजकल बदरुद्दीन अजमल विवादों के हॉट सेंटर हैं। कभी असम की पहचान गमछे का अपमान, कभी चुनावी दंगल को अजमल कम्युनल एंगल दे देते हैं। आजकल उनके बेटे का बयान काफी विवादों में रहा, जिसमें वो असम में अब की बार टोपी लुंगी वाली सरकार की बात कर रहे हैं। लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम, अंग्रेजी की ये कहावत असम के बदरुद्दीन अजमल पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। AIUDF का बड़ा चेहरा है बदरुद्दीन अजमल साहब, और यहाँ की अगर हम बात करें असम के 2021 के विधानसभा चुनावों की, तो चाहे उनके विरोधी हो या फिर उनके समर्थक, उनके विरोधियों के निशाने पर भी वे हैं और उनके समर्थक भी उम्मीद ये लगा रहे हैं कि उनके सहारे वो 2021 में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन कोई भी असम की राजनीति में आज के दिन बदरुद्दीन अजमल साहब को इग्नोर नहीं कर सकता। उनसे बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अजमल साहब। पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाहूंगी, दो चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, पहला अपर आसाम में, फिर लोअर आसाम में, मिडिल आसाम में, आगे फिर लोअर आसाम में चुनाव है, आपका असेसमेंट क्या है, कहां महाजोत को पाते हैं आप? देखिए, हर जगह महाजोत है इस मरतबा। इस मरतबा बीजेपी कहीं भी नहीं है, NDA कहीं भी नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल में उन्होंने कोई काम यहाँ किया नहीं, किसी वादे पे वो पूरा नहीं उतरे। इसलिए जो बगान के लोग थे, वोटर्स, टी गार्डन के लोग, उन लोगों ने तो लास्ट में जाकर उनको बीजेपी के लोगों को घुसना बंद कर दिया, टेलीविजन में फिर तो। इसलिए इस मरतबा बीजेपी NDA गुज़िश्ता मरतबा की तरह मोदी जी का व्यू नहीं है। मोदी जी मेरे ख्याल से कम 10-12 मरतबा आ चुके हैं, और आपके अमित शाह जी भी आ चुके हैं 10-12 मरतबा, और नड्डा जी भी आ चुके हैं, स्मृति ईरानी आ गई, मतलब तो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर उनका कोई नेता ऐसा नहीं रहा जो आसान नहीं आया। इस मरतबा कम से कम एक वक्त का तो उसने खाना खाया मेरी बात। तो ये बताता है कि इन लोगों में एक बुखलाहट है, एक घबराहट है। गए मरता जैसे चैन से कोई इलेक्शन लड़ रहा था और उनको यकीन था कि हम जीतेंगे, वो जीते। तो चूंकि वादे करने थे, वादे पे तो पैसा लगता नहीं, वादे पे कोई वो भी नहीं लगता, तो वादे को वादे की लड़ियां लगा दी गुज़िश्ता मरतबा। और जिसका मैं समझता हूँ कि 1% भी उन्होंने पूरा नहीं किया काम उन्होंने। असम में ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार है, तो इसलिए मैं कम से कम मना कर दूं कि उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। काम भी उन्होंने डेवलपमेंट का काम, रस्ते घाट का काम, इस किस्म के बहुत सी चीजों का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी नेशनल लीडर ने और किसी स्टेट के लीडर ने एक भी डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर वोट नहीं मांगा। इसमें तो कहीं नहीं कह पाया, देखो हमने वहां ये बनाया, देखो हमने यहाँ ये बनाया, देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया। लोग भी ऐसा नहीं है, आज के पेपर टेलीविजन बहुत लोगों के पास है, तो वो चीज ये लोग इस वर्तमान नहीं ला पाए। लेकिन इस वजह से तीनों शरण में अब दे दीजिएगा, तो परसों ही आखिरी चरण का वोट हो जाएगा। इसमें तो मेरे ख्याल से 1-2% उनका कोई भागीदारी हो। इसके बीच वाला पीछे जो लड़ा गया उसमें भी मेरे हिसाब से 75-80% उनकी भाग। तो ये जो दो फेज है इसमें आप कितना उम्मीद कर रहे हैं अपनी महाजोत के लिए, कितनी सीट उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो हमारे महाजोट वाले कहने में तो 100+ कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा साहब कहते थे, उनके जवाब में कुछ कुछ ना कुछ तो कहना है। लेकिन ये कि सरकार हमारी बनेगी, बहुमत से बनेगी, और किसी की सहारे की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना वोट हम महागठबंधन वाले लेंगे। आप बात करें कि डेवलपमेंट बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन अजमल साहब इस बार चुनाव का जो डिस्कोर्स है, डेवलपमेंट की बात तो आप भी नहीं कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन जो है आप पर, हमारे पास पावर नहीं है, हम कैसे नहीं, आप उनके डेवलपमेंट पे उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं उनके, देखिए ये दुश्मन भी अगर काम करता है तो उसको तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि उन कामों को वो आवाम के सामने गिनवा नहीं पाए, लोगों को दिखा नहीं पाए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आप मान रहे हैं काम किया उन्होंने, डेवलपमेंट किया? मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन फील्ड में वो उसको गिनवा नहीं पा रहे। वो सिर्फ बदरुद्दीन अजमल के नाम के पीछे पड़े हुए हैं, पोलराइज करने के लिए हिंदू भाइयों को, आसामी भाइयों को,
तो असामी भाइयों को जितना डर लास्ट मरतबा डॉक्टर साहब ने दिखा दिया, डॉक्टर लोगों ने देख लिया, शेर 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 आ गया, शेर आ गया। वो शेर तरह ये तो आदमी है और वो ये कमिनल आदमी में नहीं है, जिसको बदरुद्दीन को वो कमिनल दिखा के कि ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो मैंने मना कर दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। उनकी वो बोली, लेकिन आपके बेटे ने तो आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक लुंगी वाला टोपी वाला जो है वो अगला मुख्यमंत्री आसाम का बनेगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, रैली करते हैं, और वो कहते हैं कि जो हम कह रहे थे कि मियां जो है वो असम का मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या ये कम्युनल नहीं है? अगर आप किसी टोपी वाले, आप कहें लुंगी वाला टोपी वाला मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो कम्युनल है साफ तौर पर। मीडिया वाली है जी, और हम आपका एहतराम करते हैं। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मैं बैठा हुआ था, उसने ये कहा, चीफ मिनिस्टर बनने की बात नहीं कही, कि आसाम में अगर लुंगी वाले टोपी वाले का एहतराम होगा, उसी तरीके से टीके वाली एक महिला, साड़ी वाली एक हिंदू महिला का भी एहतराम होगा, वो दिन आने वाला है। और कई चीजों के इसने मिसालें दी, भाईचार की उसको इन लोगों ने किसी ने दिखाया नहीं। लेकिन ये वीडियो जो है बिल्कुल गलत है। मेरा और भी चीजें इन लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश की, मेरे बेटे का भी तोड़ मरोड़ के, जिसमें खालिस वो भाईचारे की बात कर रहा है। लेकिन पोलराइजेशन का आरोप आपके ऊपर अजमल साहब बार बार लग रहा है कि माइनॉरिटी को पोलराइज करना चाहते हैं आप, माइनॉरिटी को अपीजमेंट करने के लिहाज से ही महाजोत बनाया गया है कि कैसे जो मुस्लिम वोट है उनका कंसोलिडेशन पूरे असम में किया जाए। देखिए पोलराइज कौन नहीं कर रहा पोलराइजेशन, प्राइम मिनिस्टर आए तो कहाँ कहाँ प्रोग्राम किया, प्राइम मिनिस्टर थे उनको तो खुल के सीना खोल के मुसलमानों के बीच में आना चाहिए था, उनके ही देश के लोग हैं, कोई ना कोई उनको वोट भी दे रहा होगा बीजेपी को, ऐसी बात तो नहीं है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं है, या तो ये है कि वो सिर्फ हिंदू वोट के अंदर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। यहाँ डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा साहब बैठे हैं, वो गुज़िश्ता 10 साल से बदरुद्दीन का चेहरा टोपी दाढ़ी दिखाकर उन्होंने जो है पूरे आसामी इलाके, जो लोअर आसाम है अपर आसाम है, उसके ऊपर पूरी उन्होंने मेहनत की। तो वो बोल रहे हैं जब करते हैं तो गुनाह नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो इसलिए पोलराइजेशन तो सभी कर रहे, देखिए हमको अपने वोट को पोलराइज जब वो कर रहे हैं, पड़े हैं हमारे पास क्या, हमारे पास तो सारा मिला के 14 सीट है और 5 सीट हमारे फ्रेंडशिप में है, 19 सीट है, उन लोगों के पास 126 सीटों पर पोलराइज कर रहे हैं, तो वो गुनाह नहीं होता। जो भी आते हैं इनके बताइए होम मिनिस्टर ने कितने मुस्लिम इलाकों में प्रोग्राम किया, चैलेंज करता हूँ जे पी नड्डा ने क्या किया, उसके बाद स्मृति ईरानी आई, उन्होंने हर आदमी की जुबान पे एक बात है। फायदा ये हुआ कि मुझे, मैं पार्लियामेंट में हूँ, एक नेशनल जगह है हमारे मुल्क का, एक इज्जत की जगह है, लेकिन कौन जानता था बदरुद्दीन अजमल कौन है, कोई नहीं जानता था। इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम से मुँह से मैं उनको धन्यवाद शुक्रिया का खत लिखूंगा, साहब आपने जितना मेरा एडवर्टाइज किया, मेरे माँ बाप ने भी, लेकिन आप भी तो यही चाहते हैं ना शायद। प्लीज, कौन नहीं चाहता अपने एडवर्टाइज, कौन नहीं चाहता नाम मरी, कौन नहीं चाहता, नहीं मैं पोलराइजेशन के लिहाज से बात कर रही हूं, पोलराइजेशन। तो मतलब आप कह रहे हैं आपको राजनीतिक तौर पर सूट करता है तो उसमें कोई गलत नहीं, नहीं नहीं, आपके विरोधी भी कर रहे हैं, दूसरे वालों की गलती पकड़ी है, जो हमसे बड़े लोग हैं प्राइम मिनिस्टर जैसे होम मिनिस्टर आए, एक मीटिंग में 6 मरतबा उन्होंने बदरुद्दीन अजमल का नाम लिया और कंपेयर किया गया, बड़ी हंसने की बात, मुझे तो मजा आ गया, ऐसा लगा मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ। समझे कि होम मिनिस्टर कहते हैं आप लोग बदरुद्दीन अजमल के साथ रहना चाहते हैं या प्राइम मिनिस्टर के साथ रहना, वाह मजा आ गया। लेकिन आप पर आरोप ये भी लगता है, आपकी बात मैंने सुनी, बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, थोड़ा सब्र करिए, तो मेरी बात पूछेंगे तो जब तक मैं नहीं कहूंगा फिर कोई आपके उसमें से टुकड़ा निकाल के, नहीं नहीं ये जैसा है वैसा चलेगा जी, नहीं नहीं दूसरे लोग निकालते, आप लोग नहीं करेंगे, इतने बड़े मीडिया वाले सब काम नहीं करते, सबका अपना रिपोर्टेशन है और रजत शर्मा जी का अपना एक रिपोर्टेशन है, हम इंडिया टीम का एहतराम करते हैं, आपकी अदालत का एहतराम करते हैं, समझे कि नहीं। तो बड़े लोगों ने पोलराइजेशन के गेम को इतने अच्छे तरीके से खेला कि हमें लगा इस मरतबा किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है, हमको भी किसी मुद्दे की बात करने की जरूरत नहीं है, मैं पूछता हूँ उनसे, इसलिए आपने कोई और मुद्दे की बात ही नहीं की, आपको लग रहा है यही मुद्दा चुनाव जिता देगा, हमने ये किया कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछा,
ये आपने गए मरतबा कहा था कि असम से 21 तारीख के अंदर आप लोग उसको वोट दीजिए तो हम बांग्लादेश से सारे बांग्लादेशियों को कोटला बांध के निकाल देंगे। तो मैंने कहा कि 5 साल हो गए, इस मरतबा मोदी जी फिर आए और उन्होंने कहा कि ये 5 साल हमको और दीजिए, तो इसका मतलब 5 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। हमने कहा एक भी निकाला होगा। मैंने ये कहा पार्लियामेंट में, मैंने स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर साहब खुदा के वास्ते बांग्लादेश के बॉर्डर को सील करिए, हमारी पार्टी यू आर द फर्स्ट पार्टी टू डिमांड इन द पार्लियामेंट कि हमको सील कराइए, आप ये फेंसिंग मत करिए, ये ठकुसता है, हजार हाँ करोड़ रुपया मिनिस्ट्रियाँ बर्बाद कर देती है, लूट के खा लेती है, वो बांग्लादेशियों को रोकने में कोई भी सीरियस नहीं है, अगर सीरियस है तो उसके आधा नहीं उससे कम पैसे में सील हो सकता है। आपके हिसाब से गए 5 साल में सेंटर में बीजेपी की हुकूमत, आसाम में बीजेपी की हुकूमत कितना हिस्सा सीलिंग किया बॉर्डर को, आदमी पहल तो करे, इतना तो बताया कि चलो तो क्यों पहल नहीं हो रही आपके हिसाब से, क्यों पहल नहीं हो रही? इच्छा नहीं है, सच्ची इच्छा नहीं है, और कैसे करें, क्यों इच्छा नहीं है जब बार बार कहते हैं तो फिर इच्छा क्यों नहीं है आपके हिसाब से? पॉलिटिक्स इसी के ऊपर चल रहा है, आसाम के पॉलिटिक्स को वो बांग्लादेशियों के इश्यू के ऊपर सब लोग चलाना चाहते हैं, हम वो नहीं चाहते। मैंने यहाँ तक कहा ऑन रिकॉर्ड क्या आप बांग्लादेश से कोई आने वाला दिखता है? बॉर्डर के ऊपर आप आर्मी लगाए हुए हैं, आप सीआरपी के लोग हैं और पता नहीं क्या क्या आपके अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, शूटेड साइट और लग दीजिए। पूरे आसाम में हंगामा हो गया मेरे खिलाफ मुसलमानों का, एक ऐसी आवाज उठी, ऐसी बात मानना कैसे कहते हैं, उसको बर्दाश्त किया। लेकिन यहीं पे हेमंत विश्व शर्मा की बात करना चाहूंगी, वो कह रहे हैं कि आप चाहते हैं मदरसा हो, एजुकेशन वहाँ हो, धार्मिक, लेकिन बीजेपी चाहती है डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, तो एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं हेमंत विश्व शर्मा कि आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, आपको कम्युनल कहते हैं और कहते हैं हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करिए, उसका जवाब कैसे देते हैं? सरकार में वो बैठे आप बड़ी खूबसूरती से असल इशू से हट गई, तो मैं चाहता था आप रहे उसके ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरा लिस्का है, दिलवर का है, वो लिस्का है जिसके ऊपर हमने बातें की, वो इशू वाला लंबा लिस्का है, ये लिस्ट है जिसके ऊपर गिने गिना के एक एक लफ्ज के ऊपर हमने बातें की हर मरतबा, और उनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय बदरुद्दीन अजमल के। अब आ जाइए मदरसे में, मदरसा पूरा इंडिया में आजादी के वक्त से संविधान के हिसाब से हर धर्म के लोगों को अपने मजहब की आजादी है, पढ़ने पढ़ाने की आजादी है। आज पूरे हिंदुस्तान में सरकारी मदरसे हैं, सरकारी मदरसे हैं, लेकिन वो मदरसे स्कूल के मुकाबले में शायद 1% या 1.5% है। कहते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है मॉडर्न इंडिया में, ऐसी ऐसा तर्क वो देते हैं उनको बंद करने के पीछे, तर्क देने के उनको, चूंकि बीजेपी का ब्लड उनके अंदर घुस गया, पहले जब वो कांग्रेस में यही तीन मरतबा उनके पास थी, 15 साल उनको उसमें बुराई नहीं आई, बल्कि उनकी तकरीरें हैं जहाँ वो मदरसों में कहे हैं, मदरसों की जमीन दिया है और मदरसों की तारीफ की है, इस्लामिक एजुकेशन की जरूरत की तारीफ की है। अब चुके गेरुआ कपड़ा वो पहन के आए तो उनको मुसलमानों को सताने के लिए, जैसे और चीजों में वो सता रहे हैं, मुसलमानों को सताने के लिए एक ही चीज था कि इनके मदरसों को बंद कर दो। इसका जवाब बदरुद्दीन अजमल साहब कैसे देते हैं जब उन पर आरोप ये लगता है या उनके विरोधी उन पर निशाना साधते हैं कि वो आसाम की अस्मिता को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? मैं आसामी हूँ, मेरे बाप दादा आसामी थे और मेरी आने वाली नस्ल भी आसामी है, क्योंकि हमने बाहर से शादी नहीं की तो हमारी नस्ल भी आसामी है। अमित शाह जी आसाम से क्या ताल्लुक उनका, प्राइम मिनिस्टर था विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनका आसाम से क्या ताल्लुक, गुजरात के होम मिनिस्टर साहब गुजरात के, नड्डा जी पता नहीं कहाँ के, और दूसरे बड़े लीडर आते हैं ठीक है, उनके सारे इज्जत एहतराम के साथ, वो आसाम की इज्जत जानते हैं, करना जानते हैं, और हम आसाम में पैदा हुए हम आसाम की इज्जत नहीं जाए, इसलिए बाहर से कोई आके हमें कहे मैं आसामिया हूँ मुझे इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। आरोप ये भी लगा कि आपने अपमान किया जी, मान और अपमान और सम्मान क्या होता है, ये तीनों के अंदर लफ्ज में भी फर्क है और तीनों का मतलब भी फर्क है। ये गमछा वो है जो हमारी शान है, जो हमारी जान है। तो आप फेंकते हुए क्यों दिख रहे हैं उस वीडियो में? प्लीज मैं आ रहा हूँ ना आपके, मैं फेंकूंगा आपके सामने ही फेंकूंगा और उसके बाद उसका रीजन भी बताऊंगा। मैं वहां पहुंचा, बारिश शुरू होने वाली थी, फर्स्ट प्रोग्राम था, 4 प्रोग्राम उस दिन और तरह में करना था,
हेलीकॉप्टर वाले हमारे बार बार कह रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके। हमने जाके अपने लोगों से बताया कि हम 15 मिनट के लिए आए, इससे ज्यादा नहीं रह सकते, आज आबो हवा ठीक नहीं है। मैं फिर वॉशरूम में गया, डायबिटीज का पेशेंट हूँ, नमाज भी पढ़ी, 15-20 मिनट गुजर गए, मैं निकला तो देख रहा हूँ वो गमछा लोगों को, हमारे ट्रेडिशन जो गमछा पहनाते हैं सराई वो कहते हैं, तो उसको कम से कम 50वें नंबर पे स्टेज पे 15-20 मिनट तो उसी में गुजर गया। जब मैं घुसा मैंने देखा कि मेरा तो टाइम ही खत्म हो गया, उधर हेलीकॉप्टर वाले चिल्ला रहे, वेदर इतना खराब हो रहा है, तो एक ले मेरी तरफ से मेरी तरफ लेके गमछा लेके उठा, तो मैंने इंसान हूँ उस वक्त हाथ में कुछ भी होता तो और भी चीज से मार सकता था, सामने सेब के टुकड़े रखे थे उनसे मार सकता था, किसी और चीज से, लेकिन इंसान जब गुस्से में आता है तो अपनी प्यारी से प्यारी चीज भी थोप देता है, उसको पता नहीं चलता। मैंने गमछा उठा के उसको मारा अपने आदमी को और फिर प्रोग्राम चला और उतना ही हिस्सा उनको मिला। असम की अस्मिता को और संस्कृति को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, यही तो आरोप है आपके ऊपर। असम की अस्मिता को प्राइम मिनिस्टर अस्मिता को क्या समझते हैं, असम की कल्चर को वो क्या समझते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर असम में कम से कम 20-25 प्रोग्राम उनके होंगे, बड़े बड़े हैं आए हुए प्राइम मिनिस्टर, गमछा लोगों ने दिया एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड रिकॉर्डिंग दिखवा सकता हूँ आपको, 500 रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, यही गमछा को उतार के वो कबर टेस्ट टेबल के ऊपर रख देते थे। कांग्रेस पार्टी के साथ आप अलायंस कर रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी 2016 में जब तरुण गोगोई थे तो उन्होंने पूछा बदरुद्दीन अजमल कौन है, बदरुद्दीन अजमल उन्होंने पूछा था, अभी 15 साल गुजर गए, बहुत पानी बह गया, वही कांग्रेस पार्टी मैदान में आपके साथ है। उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि आपके कम्युनल जो आपकी वो है विचारधारा है उससे उनको लगता है आपके साथ अलायंस करेंगे तो नुकसान होगा। इसी कश्मकश में 15 साल कांग्रेस पार्टी आपके साथ नहीं जुड़ी, अब 2021 में आपके साथ मैदान में, आप कहते हैं बीजेपी विरोधी है इसलिए आप पर आरोप लगाती है, ये जो पार्टी आज आपके साथ खड़ी है ये भी पहले यही आरोप लगाती थी, लेकिन आज आपके सहारे पर सरकार बनाना चाहती है। पॉलिटिक्स में कल था वो हिस्ट्री थी, आज है वो हकीकत है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम। आज बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी सेंट्रल में महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिला सकती है, ढाई साथ हुकूमत कर सकती है, तो बदरुद्दीन और कांग्रेस ने अगर यहाँ कर लिया, मैं नहीं समझता कोई आसमान टूट पड़ा, वक्त की उस वक्त जरूरत थी। मतलब पॉलिटिक्स में सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है, चाहे इधर की बात हो चाहे उधर की बात, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, इस मरतबा का जो महागठबंधन हुआ है वो परफेक्ट और सही टाइम पे हुआ है, और वो उसका नतीजा 2 मई को जब रिजल्ट निकलेगा और जब हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आपको खुद लगेगा कि उस वक्त जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो कहाँ था, लेकिन आज सरकार बन के ये प्रूफ हो गया कि इस वक्त का अलायंस इस वक्त की ये जरूरत थी। अब सीए पर क्या दिक्कत है बदरुद्दीन अजमल को? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यहाँ मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई काम भूल नहीं किया जाएगा। सीए में क्या है, आज शाहीन बाग में इतना बड़ा आपके ऊपर तो मजहब की पॉलिटिक्स का ही आरोप लगता है। और मजहब में मजहबी आदमी हूँ, वो लोग भी मजहब करते हैं, देखिए जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मजहब की बात नहीं होती। सीए पर आपका मेन विरोध क्या है, आपका मेन आपत्ति क्या है? मेन आपत्ति यही है कि हमारे संविधान के खिलाफ है, सीए धर्म के ऊपर बात करता है और हिंदुस्तान का जो वो जो है ढांचा वो एक सेकुलर ढांचे के ऊपर बुनियादी चीज है, इसलिए सीए के जरिए से ये बाहर से हमारे हिंदू भाइयों को लाना चाहते हैं। लेकिन वो वहाँ पर अगर परसिक्यूशन है माइनॉरिटीज का इसलिए लाना चाहते हैं, ये सरकार कहती है कि क्योंकि ये मेजॉरिटी जो है वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी दूसरे रिलीजन की है तो ये माइनॉरिटी के परसिक्यूशन के शिकार है। तो यहाँ जो हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी के ऊपर जहाँ जहाँ इन इलाकों में जुर्म होता है तो आप उनको कहीं बना के भेज देंगे कि आप वहाँ चले जाइए शांति से रहिए या अपने मुल्क। सरकार कहती है भारत के मुसलमान को डरने की जरूरत, ये सरकार कहती है। सरकार कहती है ना, सरकार को कहना है आपने कितनी मर्तबा पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की कि आपके यहाँ ऐसा जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर या हिंदू भाइयों के ऊपर, आपने कितनी मर्तबा बांग्लादेश तो आपका दोस्त पार्टी है तो उनके साथ आप कितनी मर्तबा बात की, रिकॉर्ड में दिखाई है ना, एकदम से आपके दिल में आ गए क्योंकि इलेक्शन है ऑल इंडिया, क्योंकि आसाम में इलेक्शन है, तो सीए एक नया कानून लेके आ गए कि हम बाहर से इतने धर्म के लोगों को लाएंगे यहाँ के हिंदू लोग खुश हो जाएंगे,
और इंडिया लेवल पर खुश हुए, हर जगह इसका विरोध हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ। अच्छा, एक तरफ हेमंत तो है, एक तरफ सर्बानंद सोनोवाल है, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का इस बार क्लैरिटी नहीं किया है, आपको क्या लग रहा है? क्या घबराए हुए? किसका नाम लेंगे तो जीत पाएंगे, किसका नाम लेंगे तो हारेंगे, क्योंकि नाम सर्बानंद सोनोवाल साहब का है। आप हेमंत तो बोल रहे, इतने बड़े आदमी का हेमंत तो नहीं कर सकते, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा साहब असल चीफ मिनिस्टर के रोल में 5 साल लोगों ने देखा कि वही काम करते हैं। तो आपको लगता है उनकी सरकार आएगी तो वही बनेंगे जी? अगर उनकी सरकार आएगी तो आपको लगता है हेमंत, डॉक्टर हेमंत नहीं, वो तो मेरे ख्याल से बनना नहीं चाहिए। वो इतने अच्छे आदमी नहीं है, सेकुलर आदमी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी है। पहली बात तो ये कि मिनिस्ट्री उनकी नहीं आ रही है, ये छोड़ दीजिए, वो भी सपना देखना छोड़ दें। लेकिन अगर उनकी मिनिस्ट्री गलती से भी आ जाती है तो सर्बानंद सोनोवाल साहब ज्यादा बेहतर चीफ मिनिस्टर है, बहसियत इंसान, लोगों के साथ, इंसानों के साथ उनका जो बर्ताव है उसमें मजहब का चश्मा अभी तक हमको। तो आपके महाजोत में चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा अगर आपकी सरकार आएगी तो? कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी भी मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहले से इलेक्शन से पहले किसी को कांग्रेस का ही होगा चीफ मिनिस्टर होना तो चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी सीटें ज्यादा से ज्यादा है, इसका मतलब उनकी सीटें ज्यादा निकल के आएंगी तभी तो हमारी सरकार बनेगी। क्राइटेरिया जो है कांग्रेस के लोगों में से ही किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा और हमारा सपोर्ट होगा। कांग्रेस कोई लुंगी और दाढ़ी और टोपी ये क्राइटेरिया होगा क्या महाजोत का चीफ मिनिस्टर को चुनने का? ये आप लोग सोच ले, अगर हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है, अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि आपकी आप हालांकि कह रहे हैं वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है वो क्राइटेरिया हो सकता है? नहीं होना चाहिए। कितनी सीट्स? सीट्स के ऊपर तो सीटें चूंकि बीजेपी ने कहा है 100+, तो हमारे महागठबंधन ने भी कहा कि हमारे पास 100+ सीटें आएंगी। अच्छा, लेकिन बीजेपी की तरह 65-35 में नहीं है, वो 65 पे आए थे, अब उनको दूसरे चरण में झटका लगने के बाद वो 35 में खुद आ चुके हैं और मुझे लगता है वो 35 से 45 के बीच में सिमट जाएंगे, सरकार हमारी बन जाएगी। चलिए, महाजोत की सरकार बनेगी ऐसा बदरुद्दीन अजमल साहब कह रहे हैं। तमाम चीजों पर उन्होंने हमसे बात की, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कम्युनल या पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का आरोप सिर्फ उन पर ही क्यों लगता है, और 2 मई को महाजोत की सरकार बनेगी इसको लेकर के कॉन्फिडेंट है ये कह रहे हैं। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, गुवाहाटी, असम। और इसी के साथ वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।